फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिवाइन समीकरण एंड अपवर्तन विधि से किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइन समीकरण की। फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री से हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं सारे टॉपिक समझा चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूटा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो डिवाइन समीकरण क्या है? अणुओं का कुल ध्रुवण, उनके प्रेरित ध्रुवण, इंडक्ट पोलराइजेशन PI तथा अभिविन्यासी ध्रुवण ओरिएंटेशन पोलराइजेशन PO का योग होता है। आपको इस डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसे याद करिएगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं रहता है, एक शॉर्ट नोट में ज़्यादा पूछा जाता है। PT बराबर PI प्लस PO, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पर A बराबर 4/πNK, P0 बराबर 4/3πN, म्यू स्क्वायर 3 kT है। PO का मान क्या है? 4/3πN म्यू 3 kT। एंड अब हम मान को पुट करेंगे। फर्स्ट समीकरण में मान पुट करने पर हमें क्या मिलेगा? PT बराबर 4/3πNA प्लस 4, P0 का मान 4/3πN म्यू 3 kT। अब यहाँ पर n क्या है? एवोगाड्रो संख्या, म्यू क्या है? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, और k क्या है? वोल्टेज स्थिरांक। तो आपको समझ आया होगा, ये था डिवाइन समीकरण। अब हम डिवाइन समीकरण के ही फर्स्ट समीकरण से समझेंगे अपवर्तन विधि द्वारा अणु का द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त करना। तो अब हम देखते हैं अपवर्तन विधि। अपवर्तन विधि में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं समीकरण एक के अनुसार हमने डिवाइन समीकरण में जो फर्स्ट समीकरण रखी थी PT बराबर PI प्लस P0 यही थी। तो फर्स्ट समीकरण के अनुसार फ्रेंड्स, अब हम रखते हैं PT, PT जो है ऊपर PT, अब PI और P प्लस 0 दोनों का मान रखना है हमें। फर्स्ट समीकरण हमारी थी P बराबर PI प्लस PO, एंड सेकेंड समीकरण हो गई हमारी PT बराबर 4/3πNA प्लस 4/3πN म्यू 2/3 kT। अब हम थर्ड समीकरण की बात करेंगे, PT बराबर PI। PI का मान अभी हमें पुट नहीं करना है, हम मान पुट करेंगे किसका? P0 का। तो 4/3πN म्यू 2/3 kT स्क्वायर वन, कौन सी समीकरण है? थर्ड समीकरण। अब देखते हैं फोर्थ समीकरण क्या होगी। PT हमारा PT सेम रहेगा, अब हम यहाँ PI और P0 की जगह A प्लस B रख लेंगे /T। ये एक समीकरण है जिसे हम रखते हैं फिफ्थ समीकरण मानेंगे इसे। अब हम क्या करेंगे, ए का मान क्या रखना है हमें? 4/3πN के बराबर PI, ठीक है। जहाँ बी क्या है? बी का मान, मतलब जो हमने ए बी रखा है, तो ए बी क्या है? PI P0। जो ए बी है हमारा वो क्या है? PI P0। जैसे PI का जो मान होगा वो हम ए की जगह पे पुट करेंगे, और पी